झुंझुनू के स्वर्ण जयंती स्टेडियम में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारियों और आम लोगों ने स्वस्थ रहने के संदेश के साथ योगाभ्यास किया। पूरा देश, पूरा विश्व योग करे जिससे तन मन स्वस्थ रहे और निरोगा रहेगा तो हम राष्ट्र का भी उत्थान करेंगे, अपने परिवार का भी कल्याण करेंगे। क्योंकि वर्तमान में डिप्रेशन और टेंशन की बहुत बड़ी बीमारी है, इससे बचने के लिए योग ही एकमात्र उपाय है, इसलिए सबको योग करना चाहिए। हजारों वर्षों से योग एक ऐसी, हमारे ऋषि मुनियों की एक ऐसी क्रिया है जो एडी से चोटी तक शरीर को शुद्ध कर सकती है। ये विज्ञान पूरी दुनिया में फैलाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया। योगा करने से जीवन शैली में बीमारियां नहीं आती है, बीमारियों से आदमी तंदुरुस्त रहता है और योगा, प्रतिदिन योगा करना चाहिए, योगा करने से सेहत अच्छी रहती है।